हमारा बिग बॉस। बिग बॉस एक रिश्तों का शो है या फिर ये एक इंडिविजुअल गेम खेलने वाला शो है? यहां पर आप कितनी सूझबूझ समझदारी के साथ चीजों से निकलते हैं ये सही है, या फिर आप जो है रिश्ते बनाते हुए नजर आते हैं वो सही है? अगर आपने रिश्ते बनाए तो आप तुरंत आउट हो जाएंगे, अगर आप समझदारी से खेलते हुए आगे बढ़े या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में आगे बढ़े तो फिर आपको मैनिपुलेटिव और दोगुला, बैकस्टैबिंग करने वाला, ये सब टर्म्स दिए जाते हैं। आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जो नए हमारे वीआईपी मेंबर्स हैं उनको, कि नॉन वीआईपीज को एक एक करके टारगेट करें, एक एक करके उनके बारे में बताएं। ठीक है, अब इन लोगों ने पता नहीं ये बाहर से जो सेट एजेंडा लेकर आए हैं ये उस पर इन्होंने बात करी, और चलो वो बात तो करी, ठीक है, लेकिन आप कौन होते हैं कि किसी के पर्सनल मुद्दे पर इंटरफेयर करने वाले, कौन किस कर रहा है कौन किस नहीं कर रहा है ये बात बोलने वाले, विच इज रॉन्ग। आप अपने सीजन में भी यही गुल खिला चुके हैं, लेकिन जब इस सीजन में ये चीजें हो रही हैं, आप तो अपने सीजन में इससे भी हद तक चले गए थे, एक मैरिड के साथ आप जो है लव एंगल क्रिएट कर रहे थे, लेकिन जब यहां पर सच्चा एक अगर लव नजर आ रहा है तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि भैया आप फेक हैं, फेक हैं, फेक हैं, कहां तक उचित है? प्रतीक सहजपाल को देखकर ये कहना चाहता हूं कि सक्सेस क्या होती है प्रतीक से पूछो। वेल डन यार, बताऊंगा क्यों। उमर रियाज, ये जो डॉक्टर है ये सबसे ज्यादा खतरनाक डॉक्टर है, ये कैसा स्टेटमेंट है? एक्चुअली खतरनाक नहीं, ये जो डॉक्टर है जस्ट सेकेंड, ये सबसे बड़ा एग्रेसिव डॉक्टर है, ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? एग्रेसिव डॉक्टर, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि कैसे फेक जीजाजी जो है एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों लगी गया था कि ये रितेश वितेश नाम की कोई चीज है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कोई नॉर्मल बंदा है जो कि बिग बॉस लवर है, और करण कुंद्रा ने दो ही पंच मारे ढेर, और ये पंच वैसे नहीं थे, मतलब कि ये मेटाफोरिक वे में कह रहा हूं कि दो पंच मारे और ये ढेर हो गए। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे जो है फेक जीजाजी के एक्सपोज के साथ साथ आज जब बददिमाग वाला एक एक चीज टैप आया और रश्मि वाला आया, रश्मि जी ने बोला आई मी माई सेल्फ आया, बोरिंग आया या फिर फेक आया, इनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो इजिली क्लियर है उमर, जो नए टारगेट हैं घर के, उमर ये अपना तेजस्वी एंड करण, ये तीनों तो फिक्स टारगेट बन गए हैं जितने भी वीआईपी मेंबर्स आए हैं, वीआईपी नॉन वीआईपी जो भी है, इनफैक्ट मीडिया भी इनको टारगेट पे टारगेट टारगेट पे टारगेट करता है। मैं यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि या देखो देवोलीना को बददिमाग वाली बात आई, ठीक है, राजीव को उन्होंने बोला चलो आई एग्री विद दैट, ठीक है, शमिता को उन्होंने उस पल के लिए बोला, मुझे लगता है कि नहीं शमिता बहुत स्मार्ट है, शमिता में बहुत ज्यादा दिमाग है तो उसको बददिमाग तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे देवो को सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालनी है कहीं ना कहीं, जो पर्सनल अटैक सलमान साहब कह रहे हैं उस पर भी आऊंगा मैं, उस पर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है देवो के साथ, उस पर भी बात करूंगा मैं। फिर उमर को भी बददिमाग कहा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको बात करूं मैं, सिंपल सी बात है, राजीव नटखट है, नादान है, उसको बददिमाग नहीं कहा जा सकता है, राइट। अभी ये लोग जिस हिसाब से गेम में अपनी जगह बनाकर आगे आए हैं, शमिता और उमर बिल्कुल भी इस पे डिजर्विंग वन नहीं है, और मुझे लगता है कि इनमें ना प्रतीक है ना निशांत है ना तेजा है ना करण है, कोई भी बददिमाग नहीं है। हाँ मैं इतना कहना चाहूंगा, बददिमाग नहीं कहूंगा, इसे दिल से कहूंगा कि करण और तेजा को इसमें होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आजकल, वो दिल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है इस बददिमाग नहीं, जिसके पास दिमाग नहीं है आजकल, तो मुझे लगता है उनको करना चाहिए। बट ठीक है अभी आप ठीक है अभी आप अगर कह रहे हैं तो चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर रश्मि को बारी आई आई मी माई सेल्फ, मुझे समझ में नहीं आता रश्मि जी यहां पर प्रतीक सहजपाल को भूल कर तेजा उमर शमिता को कैसे टारगेट कर सकती हैं, मतलब आई मी माई सेल्फ, मैं ही सही हूं, मैं ही ये हूं ये हूं वो हूं, ये प्रतीक सहजपाल करता है भैया, प्रतीक सहजपाल ने ये किया है, तो प्रतीक को आप क्यों नहीं इसमें रखा आपने, शमिता को रखा आई एग्री विद दैट,
उमर ने कभी भी आई मी माई सेल्फ नहीं किया है दोस्तों, अगर आपको बता दूं तो। तेजा ने भी नहीं किया है, पता नहीं क्यों। शमिता शेट्टी प्रतीक को नहीं, प्रतीक को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, ये बात सबसे मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि प्रतीक को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था, बिकॉज सबसे ज्यादा आई मी माई सेल्फ उसने किया है घर के अंदर, पास के जितने भी एक्सपीरियंस ले लीजिए उसने किया है। फिर उसके बाद दोस्तों राखी को बुलाया जाता है बोरिंग के लिए, ठीक है। राखी एक पल आती है, तेजा को बोलती है कि आप इंटरेस्टिंग हो, एंटरटेनिंग हो, ठीक है। निशांत के साथ वो इतना डांस करती है, मस्ती मजाक करती है, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो शमिता को क्यों नहीं बोरिंग कहा, प्रतीक को क्यों नहीं बोरिंग कहा, वो कौन सा काम करते हैं। रक्वेश होते तो रक्वेश को कहती कि नहीं राखी, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी तेजा को अपना टारगेट बनाकर आई है राखी, इसीलिए तेजा को वो फेक 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 लव एंगल फेक वो कर रही है। अब मुझे ये बताओ वो जो किस वाली बात बोली थी, कितनी ज्यादा वाहियात बोली थी, आप किस करते हो, आप उसके बाद चुम्मा चाटी करते हो और प्लस वो कंबल के अंदर घुसे रहते हो, घुसे पड़े रहते हो। अरे राखी जी, दुनिया आपकी तरह ही नहीं होती, प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, प्यार वो भी होता है जब आप एक दूसरे की केयर करें, सिर्फ फिजिकल ही प्यार नहीं होता है राखी जी, ये बात याद रखिए। तो आप जो भी करते हुए आई हैं अपने शो में, या फिर जो भी आप जैसा भी अपना करते हुए आई हैं चीजें, यहां पर अलग है, तेजा का अलग एक अलग पर्सपेक्टिव है, तेजा की अलग मान मर्यादा है, तेजा को अलग तरीके से लगता है। इनफैक्ट उन्होंने दोस्तों दोनों वो जो याद है मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि दोनों अलग अलग सोते हैं, बीच में तकिया लगाकर सोते हैं, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, जो कि आज तेजा ने कन्फर्म भी कर दी, क्योंकि रात का वक्त था और रात के वक्त वो इस तरीके से सोते हुए पाए गए थे और वो बात मैंने आपको बताई थी। अब यहां पर दोस्तों बोरिंग में शमिता का आना चाहिए था, जो कि ऑफकोर्स महारानी की तरह रहती हैं, थोड़ा सा इंजॉय करती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहती हैं, और प्लस वो जो है एक अपने एक किंगडम में रहती हैं, राइट। प्रतीक का करना चाहिए, जो कि प्रतीक बहुत ही छोटे छोटे मुझे लगता है प्रतीक को बोलना चाहिए, क्योंकि प्रतीक जो है बहुत ही सिलेक्टिव मुद्दों पे अब बोलने लगे हैं, तो वो बोरिंग सा हो गया है। वहीं अगर बात करें करण गुंद्रा भी थोड़े बोरिंग हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि करण भाई का भी इसमें नाम आना चाहिए। ओके, रितेश आते हैं, फेक कहते हैं करण, तेजा एंड उमर वो, बट ऑब्वियस है क्योंकि रितेश ऑलरेडी इस चीज को लेकर आया है दिमाग में, उसको टारगेट करना है, चाहे हुक बाय क्रुक उसको टारगेट करना है, उसको बता क्या है। लास्ट टाइम याद है अर्शी खान ये बात बोलते हुए नजर आई थी कि मुझे जो है रुबीना और अभिनव को टारगेट करना ही करना है, ऐसा मुझे अंदर से बोलकर भेजा गया था, यू गेटिंग इट, और वो बात रखी भी थी, हमने लाइव में सुनी भी थी। सेम यहां पर है, रितेश को टारगेट बना के भेजा है और रितेश टारगेट करेगा इतना 101%। लेकिन करण कुंद्रा ने तो चारों खाने चित्त कर दिए रितेश बाबू के, जिस तरीके से रितेश को उन्होंने बोला या फिर जिस तरीके से रितेश की चीजें रखी, वो सचमुच में हैरान कर देने वाली थी। यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि रितेश को करण कुंद्रा ने कुछ बातें बोली थी कि ये आपका पर्सपेक्टिव है और हम प्यार सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, हमारी आंखों में है। आज राखी ने साफ तौर पर तेजा के दिमाग में गंद भरने की कोशिश करी है करण कुंद्रा के बारे में। हालांकि करण का पास थोड़ा सा दोस्तों अलग रहा है, आपको बता दूं तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक लड़की को चीज कंप्लेन भी करी उस लड़की ने, बट हालांकि वो रिजॉल्व भी हो गया था। उसके साथ साथ अनुषा डांडेकर का भी स्टेटमेंट था कि किस तरीके से रिलेशनशिप में उन्होंने धोखा खाया था, चीटिंग का मामला सामने आया था, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो पास्ट है, इंसान को सुधरने का मौका तो देना चाहिए। और लॉकडाउन और ये सारी चीजों के दौरान जो है आपको बता दूं दोस्तों, तो काफी काफी सारी चीजें हुई हैं। ऐसे में ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब ये जो है ये राखी सावंत, इसने आग लगा दी है तेजा के मन में, कि तेजा के एक वो जो डाउट है ना वो भर दिया है, एक वो शक को, एक शक का बीज डाल दिया है, जहां पर उन्होंने ये बात डाल दी है कि ये तो लड़का धोखा देने वाला है, जिसको लेकर तेजा और करण में बवाल हो सकता है फ्यूचर में। मुझे नहीं पता इनकी जोड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, या जो भी है, हम नहीं चाहते तेजन टूटे, बट अभी जो है घर में ये थोड़ा सा वो जो गाड़ी है वो हिलते डुलते नजर आई है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। दोस्तों आज के एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि शमिता शेट्टी ने उमर को प्रोवोक किया,
उसके बाद शमिता शेट्टी वहां से निकल पड़ी। शमिता को भी पता है कि उन्हें कैसे फुटेज लेना है, शमिता को पता है कि उमर को कैसे इंस्टिगेट करना है, और उमर भी जानता है कि शमिता शेट्टी उनका टारगेट है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो शमिता शेट्टी जो है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शमिता शेट्टी उमर को बोलकर चली गई, फिर उसके बाद वो ये करना है। एंड यस, आई लव द कॉन्वर्सेशन, मुझे अच्छा लगा उन दोनों का झगड़ा देखना, मुझे मजा आया। लेकिन उमर की एक बात है कि 6 दिन आप जो है एकदम गायब रहती है, एक दिन उठकर खड़ी हो जाती है, उसका क्या कहोगे उसके बारे में? तो शमिता शेट्टी का ऐसा है क्या? शमिता शेट्टी का किंगडम की बात कही, शमिता शेट्टी अपसेट है। शमिता शेट्टी कहती है कि मैं अपसेट हूं आजकल। क्यों अपसेट हूं? जस्ट बिकॉज उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा, राकेश नहीं रहे, नेहा नहीं रही, प्लस राजीव जो आया था उनके लिए, लेकिन वो कहीं और डोल गया, तो ऐसे में उनका सिस्टम नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं इस बात से अपसेट भी हैं। वहीं दोस्तों अब आपको बता दूं, तो इसके बाद जो है अन्ना शेट्टी आते हैं, बातचीत होती है, और फिर उसके बाद यू नो ऑफकोर्स देवोलीना का मैटर आता है। सलमान खान साहब यहां पर देवोलीना को डांटते हुए नजर आए। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सलमान साहब खुद भी ट्रॉफी दे देंगे शमिता शेट्टी को। शमिता शेट्टी की तरफ काफी ज्यादा चीजें एकदम फोकस्ड हैं, चीजें मुझे ऐसे लग रही हैं कि शायद वहीं जीतेंगी ट्रॉफी, जस्ट बिकॉज सारी चीजें उनके पास, सलमान साहब का भी सपोर्ट है, देवोलीना कुछ अगर पॉइंट आउट कर रही है तो देवोलीना को समझाया जा रहा है चुप रहो, और शमिता शेट्टी बोली जा रही है कंटिन्यूसली, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। ये सब क्या है, मैं जानना चाहता हूं ये सब क्या चीजें हैं। वहीं इसके बाद दोस्तों जो है आपको कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि प्रतीक सहजपाल, वो बंदा जो कि रोडीज के ऑडिशंस में फेल होता हुआ आया है, आज नेहा धूपिया की अदालत में खड़ा था और बहुत ही शान से खड़ा था। इसको कहते हैं सक्सेस दोस्तों, इसको कहते हैं मेहनत। प्रतीक ने मेहनत करी है, नो डाउट उसकी मेहनत उसे कोई छीन नहीं सकता, बट प्रतीक का जो तरीका है यहां पर बिग बॉस के घर में, जो करण कहता है वही थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बट हां, सलमान साहब ने भी उसको काफी अच्छा यू नो सपोर्ट किया है, कल के एपिसोड में भी, आज के एपिसोड में, और आगे भी करते रहेंगे अगर प्रतीक ऐसे ही खेलता रहा तो। वहीं करण ने सिंगल हैंडेडली एक्सपोज किया जीजाजी को, फेक जीजाजी को, जो कि है रितेश। रितेश का रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता। रितेश जो है वो शमिता शेट्टी के पीछे हैं, लेकिन राखी के हस्बैंड बने हैं। स्टॉक एक्सचेंज गिर जाता, मतलब जो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और उसके लिए स्टॉक मार्केट और ये सब चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या चीजें हैं मुझे समझ में नहीं आती, विच इज ऑल फेक। देवोलीना आज अपसेट लगी, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया कि अगर मैं शमिता को ज्यादा टारगेट करूंगी तो सलमान साहब उसकी क्लास ले लेंगे। रश्मि देसाई ओवर कॉन्फिडेंट है, ऑफकोर्स शी इज राइट नाउ, जस्ट बिकॉज वो शो देखकर आई हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तेजा का एकदम सही था वो जो भी रिस्पॉन्स था। वहीं अब करण कुंद्रा और उमर साथ मिलकर गेम खेलेंगे, उम्मीद करते हैं, और वो साथ ही साथ धमाका भी करेंगे। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें और देखते हैं कल का एपिसोड, इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स सी क्या होता है। इजाजत दें।